नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की जीवनी। योग की विभिन्न धाराएं हैं, इन धाराओं के प्रवर्तक प्रायः कोई ना कोई है, जैसे भक्ति योगी, नारद, प्रहलाद, मीरा, चैतन्य, कर्मयोगी अर्जुन आदि, ज्ञान योगी आचार्य शंकर। इसी प्रकार हठ योग परंपरा में हठ योगी मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हठ योग का प्रतिपादन भगवान शिव के द्वारा माना जाता है। हठ योग की मान्यता है कि हठ अर्थात बलपूर्वक शरीर को साधकर मन पर नियंत्रण करके आत्मानुभूति की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसी परंपरा को नाथ परंपरा कहा जाता है। सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरक्षनाथ माने जाते हैं। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औघड़ कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। अब हम गुरु गोरक्षनाथ के जीवन परिचय और बाल्यकाल के बारे में जानेंगे। गोरक्षनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म काल 845 ईस्वी की 13वीं सदी का मानते हैं। गोरक्षनाथ जी के विषय में कई कथाएं आती है। इनके माता पिता एवं बाल्यकाल के विषय में कोई उचित जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी एक कथा यह आती है कि एक ब्राह्मणी के घर गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मणी की दुखी कथा सुनकर उसे राख की एक पुड़िया थमाकर खाने को कहा। ब्राह्मणी को संदेह हुआ और उसने वह सामने के कूड़े तथा गोबर के ढेर में फेंक दिया। समय बीतता गया। 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी घर में गए और ब्राह्मणी से कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मणी ने बताया कि साधु बाबा की दी हुई पुड़िया उसने राख तथा गोबर के ढेर में फेंक दी थी। बाबा ढेर के पास गए और वहां पर आवाज लगाई तो 12 वर्ष का एक बालक उस ढेर में से प्रकट हुआ। ब्राह्मणी के विनती करने पर भी मत्स्येंद्रनाथ बालक को अपने साथ लेकर चले गए। कालांतर में यही बालक गुरु गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया। योग के प्रचार एवं प्रसार में गुरु गोरक्षनाथ के योगदान। हठ योग की परंपरा का विस्तार गोरक्षनाथ जी ने ही किया। इन्होंने हठ योग के प्रचार एवं प्रसार के लिए कतिपय पुस्तकों का भी लेखन किया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष गीता आदि महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। चार नाथ तथा 84 सिद्धों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया। इन्हें 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का सामंजस्य है। ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरक्षनाथ की लिखी गद्य पद्य की 40 रचनाओं का परिचय प्राप्त है। गोरक्षनाथ ने अपनी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रिया योग अर्थात तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अधिक महत्व दिया है। इनके माध्यम से ही उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया। गोरक्षनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। जनश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन आसनों का आविष्कार भी किया। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि शय्य क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धों के
पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहाँ पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग का प्रसार मात्र भारत ही में ही नहीं अपितु नेपाल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं श्रीलंका में किया। जिन स्थलों पर गोरक्षनाथ जी ने तप किया आज भी तीर्थ स्थल की तरह धुनी रमाकर तप करने वाले गोरखनाथ की पूजा की जाती है। कई शिष्य तो आप भी वहाँ धुनी रमाकर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का नाम गोरखनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ पर स्थित गोरखनाथ जी का मंदिर दर्शनीय है। इस प्रकार यह कह सकते हैं गोरक्षनाथ जी के बाद जो रूप हठ योग क्रियाओं का दिखाई देता है वह उनके द्वारा प्रतिपादित ही है। योग को चिकित्सा की उपलब्धि प्राप्त हुई है वह हठ योग क्रियाओं के आधार ही है। शोध, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज योग का जो भी प्रचार हुआ है वह इन्हीं हठ योगियों के योगदान के आधार पर ही हुआ है। इस प्रकार हमने गुरु गोरक्षनाथ की जीवनी के बारे में जाना। हम अपनी अगली वीडियो में मध्ययुगीन योगियों के बारे में जानेंगे, जिसमें कबीरदास, सूरदास और स्वामी चरणदास जी मुख्य है। धन्यवाद।